हे गाइस, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट किया हुआ आईडीटी का रिवीजन, दो चैप्टर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड सप्लाई। आज हम थर्ड चैप्टर पे आए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो इन वीडियोस के थ्रू मैं करना चाहता था कि आपका रिविजन हो जाए, वो मुझे दिख रहा है कि आपका रिविजन अच्छे से हो रहा है, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है इस चीज की। चलो बातें नहीं, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिविजन क्लासेस हैं। आज का हमारा चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें हम लोग रिवर्स चार्ज को भी खत्म करेंगे। रिवर्स चार्ज पे जाने से पहले बात करते हैं नॉर्मली क्या होता है जीएसटी में। सर नॉर्मली अगर मैं सप्लाई करता हूं, मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लाई करता हूं गुड्स की या सर्विस की, तो जो रेसिपिएंट होगा वो मुझे कंसिडरेशन पे करेगा और कंसिडरेशन के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी पे करेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी पॉकेट से निकलेगा, रेसिपिएंट की पॉकेट से निकलेगा जीएसटी, सप्लायर तक आएगा। पर गवर्नमेंट को कौन रेसिपिएंट देगा? नहीं, सप्लायर ही गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं सीजीएसटी एक्ट। तो जब मैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 9 पे गया तो मुझे पता लगा ये चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन बताएगा कि जीएसटी लगेगा तो कितनी वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, तो क्या बोला एक्ट ने? इसने बोला जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कब लगते हैं? सेम स्टेट की सप्लाई में लगते हैं। क्योंकि अगर इंटर स्टेट हो जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा, यानी कि अगर हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ इंट्रा स्टेट की बात पढ़ेंगे, एसजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो भी इंट्रा स्टेट की बात करेंगे, जब आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात की जाएगी। पर आईजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है? सीजीएसटी एक्ट, यानी हम बात करने वाले हैं सेम स्टेट की, एक ही स्टेट में हो रही है सप्लाई। क्या बोला इन्होंने? बोला एक एक्ट लगेगा हर इंट्रा स्टेट, हर इंट्रा स्टेट, हर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, जिसका नाम होगा सीजीएसटी एक्ट। अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेगा, हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, जीएसटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑन ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, अब देखो ऑन द वैल्यू जो सेक्शन 15 हमको बताएगा, यानी जीएसटी लगेगा उस वैल्यू के ऊपर जो सेक्शन 15 हमको बताएगा। सेक्शन 15 आएगा वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, यानी यहां से हमको पता लग गया सेक्शन 9 ने बताया किस वैल्यू के ऊपर लगाना है जीएसटी, जो सेक्शन 15 निकाल के देगा वैल्यू उसके ऊपर लगाना है जीएसटी। सर किस रेट से लगाना है? तो बोला एनी रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी 20% से ऊपर आपका सीजीएसटी का रेट नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई के हमने क्वेश्चन करे थे फर्स्ट चैप्टर में, जितना सीजीएसटी का रेट होता है क्या उतना ही एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का होता है? यानी अगर टोटल जीएसटी 18-18% का है तो 9% सीजीएसटी होता है, बाकी 9% या तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी होता है। और यहां बोला है नॉट एक्सीडिंग 20%, मतलब सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 20%। और अगर मैं ऐसे ही बोलूं मैक्सिमम रेट एसजीएसटी का कितना हो सकता है? 20%। मैक्सिमम रेट यूटीजीएसटी का कितना हो सकता है? 20%। मैक्सिमम रेट जीएसटी का कितना होता है? जब मैं जीएसटी बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा 20 सीजी और बाकी 20 एसजी या यूटी, यानी कि 40%। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है कि जीएसटी का रेट हाईएस्ट से हाईएस्ट कभी जाएगा तो 40% जाएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू कि हाईएस्ट सीजीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 20%। हाईएस्ट एसजीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 20%। हाईएस्ट यूटीजीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 20%। हाईएस्ट जीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 40%। हाईएस्ट आईजीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 40%। क्योंकि आईजीएसटी तो पूरा देना पड़ता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो एग्जाम में पढ़ लेना मैक्सिमम रेट किसका पूछा है, सीजी का, एसजी का, यूटी का, तो 20%, जीएसटी का, आईजीएसटी का तो 40%। ठीक है सर, कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन,
कोई दिक्कत नहीं है इन पांच गुड्स के ऊपर, तब से आएगा जीएसटी जब से काउंसिल बोलेगी कौन कौन से हैं ये सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जब से काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से इन पे आ जाएगा जीएसटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आता है रिवर्स चार्ज। देखो रिवर्स चार्ज क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये हमारे रेसिपिएंट भाई साहब हैं, ये हमारे सप्लायर भाई साहब हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट है। रेसिपिएंट गया मनी पे किया, मान लो कंसीडरेशन मनी में है, सप्लायर ने गुड्स दे दिए। नॉर्मली रेसिपिएंट क्या करता है, पे वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस जीएसटी दोनों ही पे होते हैं। अगर मैं पेन खरीदने जाऊंगा तो पेन की कॉस्ट भी दूंगा, जीएसटी भी दूंगा, शॉपकीपर को पेन लेके आ जाऊंगा, अब शॉपकीपर आगे जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा जीएसटी, यही होता है। पर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर को मनी मिलेगा सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स का, जीएसटी रेसिपिएंट जो खरीद रहा है गुड्स या सर्विस वही डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। यानी कि यह हो गया उल्टा काम, जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा जीएसटी देने, जो सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहा है वही जाके गवर्नमेंट को देके आएगा। देखो रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन क्या हुआ, टैक्स का बर्डन नहीं आया। पता है क्यों, मैं ये पेन खरीदने गया, फॉरवर्ड चार्ज हो अगर, मतलब नॉर्मल चार्ज हो, मैं शॉपकीपर को पेन की कॉस्ट दूंगा, जीएसटी भी दूंगा, पेन लेके आ जाऊंगा, यानी जीएसटी पे तो मैं कर ही रहा हूं अपनी पॉकेट से, चलो गवर्नमेंट को नहीं शॉपकीपर को देके आता हूं। रिवर्स चार्ज में क्या हुआ, पेन की कॉस्ट तो शॉपकीपर को ही दी, पर जो टैक्स जीएसटी का अमाउंट था अब वो शॉपकीपर की बजाय डायरेक्ट मैं गवर्नमेंट के पास लेके जाऊंगा पे करने के लिए। तो मेरे पे बर्डन टैक्स के अमाउंट का नहीं आया, मेरे पे बर्डन आ गया कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो मुझे अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए लायबल हो गया रिवर्स चार्ज में तो रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, रिटर्न्स तो फाइल करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी वरना मेरे को। बात समझ आई? तो अब मुझे एक लॉजिक से बताओ, ये रिवर्स चार्ज के केस स्पेशल केस होते होंगे या जनरली ऐसे ही होते होंगे? सर स्पेशल केस होते होंगे, क्योंकि हमने आज तक गवर्नमेंट को जीएसटी खुद डिपॉजिट नहीं किया। तुमने कभी किया है? नहीं किया। तुम इतनी बार लैपटॉप लेने गए, कभी होटल में खाना खाने गए होगे, कभी एसी खरीदा होगा, कभी फर्नीचर खरीदा होगा, कभी मूवी देखी होगी, सर्कस गए होगे, जू गए होगे, इतनी चीज तुमने करी है, कभी आज तक तुमने खुद गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट किया है? नहीं ना, हमेशा सप्लायर को देके आए हो ना, यानी हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में काम किया है ना, रिवर्स चार्ज कभी नहीं आया ना आपके ऊपर, क्योंकि रिवर्स चार्ज स्पेशल केसेस में लगता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से केसेस हैं जब रिवर्स चार्ज आपके ऊपर लगेगा। अब एक बात सुनो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। पहली चीज, जिस केस में रिवर्स चार्ज लग गया वो मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। यानी रिवर्स चार्ज अगर लग गया, सारी कंडीशन पूरी हो गई, रिवर्स चार्ज लग गया तो लगाना, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। पहला क्वेश्चन। सेकंड चीज, मैं आपको बता चुका हूं रिवर्स चार्ज स्पेशल केसेस में लगता है, जनरली नहीं लगता। तो अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए, मैंने सर्विस दी कंपनी को तो रिवर्स चार्ज है। एग्जाम्पल के लिए क्या बोला मैंने, मैंने सर्विस दी कंपनी को तो रिवर्स चार्ज है, तो मतलब कंपनी को दूंगा सर्विस तो ही रिवर्स चार्ज है। किंतु परंतु बंधु मत लाना कि सर्विस फर्म को दी तो क्या होगा, सर्विस इंडिविजुअल को दी तो क्या होगा, सर्विस किसी और को दी तो क्या होगा। बिल्कुल किंतु परंतु बंधु मत लेके आना, पॉइंट टू पॉइंट चलना। अगर कंपनी लिखा है तो कंपनी ही होगा, सर फर्म हुई तो क्या, सर कोई और हुआ तो क्या, मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। और एग्जाम में पता है क्या होगा, अगर अभी तुमने कंफ्यूज होकर पूछा सर फर्म हुई तो क्या, सर ये हुआ तो क्या, सर वो हो तो क्या, माइंड में बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में याद आएगा यार यहां पे क्या था, कंपनी था, फर्म था, क्या था। इसलिए जितना है पॉइंट टू पॉइंट याद कर लो, बात खत्म, डीप में मत जाओ, लॉजिक्स मत पूछो,
जितना लिखा है याद कर लो, इस चैप्टर में डीप में घुसने का ट्राई किया या फालतू क्वेश्चन करे वो तो क्या सब ऊपर से निकल जाएगा, एग्जाम में गलती करके आ जाओगे। इसलिए इस चैप्टर में जो लिखा है वही खत्म, बात आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो अब लेके चल रहा हूं स्पेशल केसेस पे, जब आएगा रिवर्स चार्ज, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। मैक्सिमम रेट आईजीएसटी का 40% है, सीजीएसटी का 20% है। सप्लायर कौन होता है पढ़ चुके हैं, रेसिपिएंट कौन होता है पढ़ चुके हैं, बाकी रीडिंग कर लेना काम का नहीं है। अब आते हैं उन गुड्स और सर्विस पे जिसपे आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले बात करते हैं गुड्स की, ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनको सप्लाई करा जाएगा तो रिवर्स चार्ज आएगा। बस रीडिंग कर लो, गुड्स एग्जाम में नहीं आते। कैशू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, बीड़ी नहीं बेच रहे हो, बीड़ी पत्ते बेच रहे हो, टोबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यान, यूज्ड व्हीकल्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेजन स्क्रैप, रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन, रीडिंग कर लो, दैट्स इट। एमसीक्यू बनेगा तो इसमें से किसी एक गुड का नाम होगा लिखा होगा मिस्टर ए ने, इसमें से कोई एक गुड्स, एग्जांपल के लिए सिल्क यान मिस्टर बी को सप्लाई करी, मिस्टर ए ने सिल्क यान मिस्टर बी को सप्लाई करी, बताओ गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? सर रिवर्स चार्ज लग गया तो सप्लायर नहीं रेसिपिएंट मिस्टर बी गवर्नमेंट को जीएसटी देगा, ठीक है। बस ये रीडिंग कर लेना, एक एमसीक्यू आएगा, टिक करके आ जाना। अब चलते हैं सर्विसेज पे, एग्जाम क्या आएंगे सर्विसेज, और पहली सर्विस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। क्या बोलती है सर्विस? सर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं रोड से, एयर नहीं कवर, देखो एयर नहीं लिखा ना मत भूल जाओ, ट्रेन नहीं लिखा भूल जाओ, पानी नहीं लिखा भूल जाओ, सिर्फ रोड की बात हो रही है, रोड में भी सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात हो रही है। GTA मतलब वो ट्रक वाले जो बिल्टी इशू करते हैं, GTA मतलब वो ट्रक वाले जो बिल्टी इशू करते हैं। एग्जाम के लिए वर्ड याद रखो GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब जो रेसिपिएंट होगा, जो GTA को पैसे दे रहा होगा कि गुड्स ट्रांसफर कर दे भाई, अब वो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जाके जीएसटी डिपॉजिट करेगा। अब सुनो ध्यान से, GTA में आएंगे तीन केस। पहला केस, अगर GTA ने सर्विस दी है किसको? फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कोऑपरेटिव कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, या CTP को। मैंने डी को टिक नहीं किया, देख लो। GTA ने सर्विस दी है फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑप सोसाइटी को, कंपनी को, फर्म को, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो हमेशा रिवर्स चार्ज आएगा। सोसाइटी टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, या कोऑप सोसाइटी, या फर्म, या कंपनी, या CTP, ये जाके गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करेंगे। सर ये लोग अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज। अगर GTA ने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ऐसी फैक्ट्री को दी, ऐसी सोसाइटी को दी, ऐसी कोऑप सोसाइटी को दी, ऐसी कंपनी को दी, ऐसी फर्म को दी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो भाई अब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराओ फिर गवर्नमेंट को जीएसटी देके आओ, कंपलसरी है। जहां रिवर्स चार्ज लग गया वहां रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी पड़ जाएगा सामने वालों को, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर GTA सर्विस दे रहा है किसी भी पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब वो चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, AOP हो, BOI हो, कोई भी हो, अगर GTA किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा तो भी लग जाएगा रिवर्स चार्ज। दो केस हो गए रिवर्स चार्ज के। सर अगर GTA गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के किसी एजेंसी को सर्विस दे रहा है और वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो भी रिवर्स चार्ज, गवर्नमेंट की एजेंसी ही गवर्नमेंट को जाकर जीएसटी डिपॉजिट करेगी। पर एक्सेप्शन है गवर्नमेंट के केस में। क्या एक्सेप्शन है? अगर जो वो गवर्नमेंट एजेंसी है या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है पर इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं है कि वो कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वो एजेंसी, गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्योंकि उनको किसी का
टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51, पर कोई सप्लाई नहीं करनी थी, बस टीडीएस काटने के चक्कर में वो गवर्नमेंट एजेंसी या वो लोकल अथॉरिटी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके बैठी हुई है। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गवर्नमेंट, जनरली गवर्नमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लग गया, पर अगर गवर्नमेंट की वो एजेंसी सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड थी, वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था उनको, तो अब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए को ही गवर्नमेंट को जाके टैक्स डिपॉजिट करना होता है, पर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा एग्जेम्पशन है ऐसे केसेस में, जहां जीटीए का फॉरवर्ड चार्ज लग गया वहां पे क्या है एग्जेम्पशन, तो टैक्स पे करना ही नहीं है। पर अभी हम एग्जेम्पशन नहीं पढ़ रहे, अभी हम टैक्स रिवर्स चार्ज पे चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर जीटीए ने ऐसे किसी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की एजेंसी को सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन की जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी पे करना है, तो आंसर आएगा नहीं पे करना, क्योंकि एग्जेम्पशन है। ठीक है, ठीक है, ये था आपका जीटीए। दोबारा सुनो, जीटीए में रिवर्स चार्ज कब लगता है? पहला, अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी फैक्ट्री को, कॉप सोसाइटी को, सोसाइटी को, कंपनी को, फर्म को, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, इनको रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सेकंड, कब लगता है रिवर्स चार्ज जीटीए का? जब जीटीए सर्विस दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, एक्सेप्शन वाला केस, जीटीए अगर सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड थी, तो अब लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए को ही टैक्स पे करना पड़ेगा, पर इसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, याद करने का पॉइंट है, जीटीए अगर सर्विस जो दे रहा है अगर वो रिवर्स चार्ज में जाती है, तो टैक्स का रेट होता है 5%। कितना होता है? 5%, मतलब 2.5% जीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। ठीक है, अगर जीटीए वाली सर्विस रिवर्स चार्ज में जाएगी तो रेट फिक्स है 5%, 2.5 सीजी, 2.5 एसजी। पर अगर जीटीए खुद टैक्स पे करना चाहे, जीटीए के पास ऑप्शन है, बाकी रिवर्स चार्ज में बहुत जगह ऑप्शन नहीं है, जहां ऑप्शन होगा बता दूंगा, जीटीए के पास ऑप्शन है कि जीटीए चाहे तो हर केस में, जीटीए चाहे तो हर केस में खुद टैक्स पे कर सकता है गवर्नमेंट को। और अगर जीटीए खुद टैक्स पे करना चाहेगा गवर्नमेंट को, तो वो पे करेगा 12% से। कितने से? 12% से। सर ज्यादा रेट क्यों है? क्योंकि खुद पे करेगा तो इनपुट का क्रेडिट भी लेगा अपना आराम से, और क्रेडिट लेगा तो टैक्स का रेट ज्यादा निकलेगा ऑफकोर्स, वरना गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा कम रेट पे। तो यानी सुनो, क्वेश्चन क्या बोलेगा, अगर जीटीए 12% से टैक्स पे कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो खुद टैक्स पे करना चाहता है। जीटीए की किसी ट्रांजैक्शन पे 5% का टैक्स था, तो ये कौन सा केस हुआ, फॉरवर्ड या रिवर्स? ये रिवर्स चार्ज का केस हुआ। समझ आ गई चीज? यस सर। तो एक चार्ट देखो, मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, और क्लियर हो जाएगा आपको इससे। ये देखो, जीटीए केस में अगर जीटीए 12% के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहा है और आईटीसी भी क्लेम कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड चार्ज। आपको मतलब ही नहीं सामने कौन है। हाँ, पर जहां एग्जेम्पशन मिलती होगी वहां तो एग्जेम्पशन मिलेगी। एक बार बता दो, जीटीए में एग्जेम्पशन कहां मिलती है? जीटीए अगर किसी को पर्सनल यूज के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, पर्सनल यूज के लिए सामान ले ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, तो नहीं लगता जीएसटी। गवर्नमेंट अगर ऐसे डिपार्टमेंट है जो सिर्फ टीडीएस काटने के रजिस्टर्ड है, तो भी नहीं लगता जीएसटी। बाकी एग्जेम्पशन चैप्टर में आराम से बताऊंगा। खैर, जीटीए 12% में नहीं जाना चाहता, 5% में जाना चाहता है, तो रिवर्स चार्ज का केस आएगा। रिवर्स चार्ज कब लगेगा भाई साहब? रिवर्स चार्ज लगेगा अगर जीटीए किसी भी बंदे को टैक्स सर्विस दे रही है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कोई भी हो, या किसी अनरजिस्टर्ड को दे रही है, तो भी रिवर्स चार्ज आ सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड कौन है? फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉप सोसाइटी, कंपनी, फर्म, एओपी, फर्म सॉरी कंपनी, फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, और अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसी ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एग्जेम्पशन है, क्योंकि वो, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ ना तो फैक्ट्री है, ना सोसाइटी है, ना कॉप सोसाइटी, ना कंपनी, ना फर्म, ना सीटीपी। तो अगर जीटीए में एग्जेम्पशन कब आती है? अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एचयूएफ को दो, या ऐसे गवर्नमेंट को दो जो टीडीएस काटने के लिए ही रजिस्टर्ड थे।
ठीक है सर, और ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर जीएटी सर्विस देती है किसी ऐसे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो भी रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज है, पर यहां भी एग्जेम्पशन गिवन है। ये था आपका जीटीए का चार्ट, क्लियर हो गया जीटीए? ठीक है, मैंने बहुत टाइम लगा जीटीए में क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। आगे चलते हैं, अगला लीगल सर्विस, लॉयर की सर्विसेज। लॉयर अगर अकेला है, इंडिविजुअल एडवोकेट है, अब वो चाहे जूनियर हो सीनियर हो फर्क नहीं पड़ता, लॉयर मतलब लॉयर, अकेला हो यानी इंडिविजुअल या फिर एक पार्टनरशिप फर्म हो लॉयर्स की, लॉयर अगर अकेला हो तो भी, फर्म हो लॉयर की तो भी, ये लोग सर्विस दे रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी इंसान, इंडिविजुअल हो फर्म हो कंपनी हो कोई भी। जो बिजनेस की डेफिनेशन याद है, बड़ी सी डेफिनेशन थी हमने कल देखी थी फर्स्ट क्लास में बिजनेस की डेफिनेशन, उसमें से कोई भी काम कर रहा हो तो वो कहलाई जाती है बिजनेस एंटिटी। यानी अगर एक लॉयर अकेला या उसकी फर्म लीगल सर्विस दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को तो हमेशा रिवर्स चार्ज आएगा, जीएसटी कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। क्वेश्चन कैसे घुमाता है यहां बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन कहेगा जो लॉयर की पार्टनरशिप फर्म है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सामने वाला एक दुकानदार है जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम था, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं था, पर उसको अपने बिजनेस के लिए कोई कोर्ट केस करना पड़ गया, वो लॉयर के पास गया, बिजनेस एंटिटी लॉयर के पास गई, लीगल सर्विस बिजनेस के लिए ले रही है तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा, चाहे लॉयर खुद रजिस्टर्ड था जीएसटी में फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला बिजनेस एंटिटी है चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चल करा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में क्योंकि रिवर्स चार्ज आएगा। समझ आ गया? लीगल सर्विसेज जब भी लॉयर या फर्म ऑफ लॉयर देगा टू बिजनेस एंटिटी, हमेशा रिवर्स चार्ज आएगा। क्वेश्चन को घुमा सकता है, कंपनी खोल ली लॉयर्स ने, अब नहीं आएगा रिवर्स चार्ज, सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म अगर होगी लॉयर्स की तो ही आएगा रिवर्स चार्ज, वो भी सिर्फ लीगल सर्विसेज के ऊपर। इसमें क्वेश्चन को घुमा सकता है कैसे, लॉयर है जब जब लीगल सर्विस देगा बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज, एंटिटी जाएगी गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आएगी। लॉयर ने अपना घर भी रेंट पे दे दिया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस होता है हमको पता है, लॉयर अगर अपना घर रेंट पे दे रहा है तो नहीं है रिवर्स चार्ज, तब लॉयर को जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, लॉयर की सिर्फ लीगल सर्विस पे है रिवर्स चार्ज। ये पॉइंट नोट कर लेना बच्चे, लॉयर की सिर्फ लीगल सर्विस पे है रिवर्स चार्ज, हर सर्विस पे नहीं है। ठीक है, तो लॉयर वाले केस में इंडिविजुअल या फर्म के अलावा कंपनी वगैरह होगी तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, और लीगल सर्विस के अलावा कोई और सर्विस दी जाएगी तो भी हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। यानी लॉयर के केस में रिवर्स चार्ज कब है? जब इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस दे रही है टू अ बिजनेस एंटिटी। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर, पॉइंट क्लियर छे। ओके, अगला देखो, सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सर ये क्या होता है? छोड़ दो, बस इतना याद करो, लिंक कर रहा हूं नेगेटिव लिस्ट से। नेगेटिव लिस्ट में कोर्ट था, ट्राइब्यूनल था, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और एक नॉर्मल ट्राइब्यूनल में फर्क होता है। फर्क क्या होता है अपने लॉ वाले सर से जाके पूछो, यहां हम नहीं कर सकते कवर उसको अभी रिवीजन क्लास में, बस इतना बता दूं, कोर्ट की सर्विस पे नेगेटिव लिस्ट है जीएसटी नहीं आता, ट्राइब्यूनल की सर्विस नेगेटिव लिस्ट जीएसटी नहीं आता, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नेगेटिव लिस्ट नहीं है जीएसटी आएगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पे जीएसटी आएगा। फिर सुन लो, कोर्ट और ट्राइब्यूनल नो सप्लाई नो जीएसटी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल यस सप्लाई यस जीएसटी, पर सेम लॉयर वाला पॉइंट, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो बिजनेस एंटिटी जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, नहीं है रजिस्टर्ड हो बिजनेस वाला बंदा, रजिस्ट्रेशन कराओ और जाके टैक्स पे करो। कई बच्चे पूछते सर बिजनेस करा रजिस्टर्ड क्यों नहीं होगा? बिल्कुल कम चांस है भाई, कोई बिजनेसमैन है बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम है उसका, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है जीएसटी में, पर अगर रिवर्स चार्ज लग गया तो अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, स्पॉन्सरशिप सर्विस। आपको पता है ना, मैच देखते हो तो जब
मैच खत्म होने के क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद प्लेयर आते हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा होता है, तो पीछे बहुत सारे स्पॉन्सर लगे होते हैं, एयरटेल, जियो, ये वो वगैरह वगैरह। ये लोग क्या करते हैं, ये मैच कराने को स्पॉन्सर करते हैं, मैच बीसीसीआई को पेमेंट करते हैं कि आप अपना मैच कराओ, बदले में हमारा एड करा दो आप। ठीक है, तो अब कोई भी पर्सन अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी को या किसी फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, कोई भी इंसान किसको दे रहा है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, किसी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी को या फर्म को, तो हमेशा कंपनी या फर्म पे लग जाएगा रिवर्स चार्ज और गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करा जाएगा। कौन करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म। तो स्पॉन्सरशिप में याद रखना, जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है वो नहीं, जिस बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को दी जा रही है सर्विस वो जाके जीएसटी देगा गवर्नमेंट को। ठीक है सर, अगला बड़ा पॉइंट देखते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह है, गवर्नमेंट भी पर्सन है, गवर्नमेंट को भी अगर टैक्सेबल सप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो देखो वैसे आपको मैं दो चीजें बताऊं, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस, टेक्निक सुनो, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देगी हमेशा रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट अपने बर्डन नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देगी हमेशा रिवर्स चार्ज, बिजनेस एंटिटी ही जाके जीएसटी डिपॉजिट करेगी। पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को भी दे तो भी फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही जीएसटी देगी। ऐसी कौन सी सर्विस है सर जिस पे गवर्नमेंट को ही जीएसटी डिपॉजिट करना होता है फॉरवर्ड चार्ज में आके, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देगी तो गवर्नमेंट ही जीएसटी जाके डिपॉजिट करेगी, यानी जब रेंट कलेक्ट करेगी जीएसटी भी कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट की, वो डिपार्टमेंट जो भी रेंट पे दे रहा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वही गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जाके जीएसटी सबमिट कर देगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। इसके बाद पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस की सिर्फ चार सर्विस ऐसी है जिसमें पोस्ट ऑफिस वाले ही जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को देते हैं। कौन कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस। पोस्ट ऑफिस की चार सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस। ये चार सर्विसेज अगर पोस्ट ऑफिस देगी तो पोस्ट ऑफिस ही जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगी फॉरवर्ड चार्ज में। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एरोप्लेन या शिप से रिलेटेड कोई भी सर्विस दे, या तो एयरपोर्ट के अंदर या उसके प्रेसेंट्स में, तो गवर्नमेंट ही जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को देगी। और लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इसका एग्जांपल हो गया इंडियन रेलवेज। रेलवे की टिकट बुक करते हो तो जो जीएसटी आता है वो रेलवे ही कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को जाके देगा। तो क्वेश्चन आता है, देखो पहला थॉट, गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस दे बिजनेस एंटिटी को हमेशा कौन टैक्स देगा रिवर्स चार्ज में, बिजनेस एंटिटी। एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है, चार एक्सेप्शंस, कौन कौन सी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा स्पीड पोस्ट की चार सर्विस, सॉरी पोस्ट ऑफिस की चार सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस। उसके बाद एयरपोर्ट या एरोप्लेन या शिप के रिगार्डिंग कोई भी सर्विस है पोर्ट या पोर्ट के अंदर, तो वो, और लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। इन चार सर्विसेज में हमेशा गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो ये सर्विसेज दे रहा है वही जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को जाके जमा करेगा। काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। अब जब ये चार सर्विसेज की बात हो रही है, एक सर्विस को बाहर कर दिया, वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहता है अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो अगर रेंटिंग कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग कर रही है, पहला थॉट क्या था, फॉरवर्ड चार्ज, गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को। पर अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को दे, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। यानी जो ये चार एक्सेप्शन वाले केस थे ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, पोस्ट ऑफिस की चार सर्विस, एयरपोर्ट और शिप की सर्विस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर,
तीन में दिक्कत नहीं थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में क्या लिख दिया अलग से, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में अलग से लिख दिया कि अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो अब रिवर्स चार्ज लग जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जाके ही जीएसटी गवर्नमेंट को देगा रिवर्स चार्ज में। क्लियर हो गया? और उसका चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखो पहला जनरल केस, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज लगेगा, एंटिटी ही जाके टैक्स पे करेगी, नहीं है रजिस्टर्ड करा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में, जाके जमा करके आओ। स्पेशल केस थे तीन, पहले तीन लिखे यहां पे क्यों, क्योंकि रेंटिंग वाला डाल दिया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की चार सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, पोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर कोई सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, इस पे हमेशा क्या लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, ये डिपार्टमेंट से जीएसटी को जाके डिपॉजिट करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीज पढ़नी है, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को चाहे बिजनेस एंटिटी हो या ना हो फॉरवर्ड चार्ज, और रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो रिवर्स चार्ज। ठीक है? ठीक है सर, इसका डायग्राम देख सकते हो, अच्छा डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्डर वाला केस और प्रमोटर वाला केस, बेटा प्रमोटर भी बिल्डर ही होता है, प्रमोटर भी बिल्डर ही होता है। देखो लॉजिक में नहीं जाऊंगा, टेक्निक बता देता हूं। टेक्निक है, कोई भी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है किसी बिल्डर को, कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है किसी बिल्डर को, अब वो चाहे लॉन्ग टर्म लीज के नाम के अपफ्रंट अमाउंट हो कि अपने बहुत बड़ी लीज करी 30-40 सालों की उसमें कुछ एडवांस अमाउंट दे रहा हूं, या आप बिल्डर को TDR ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI दे रहे हो। सर क्या होता है TDR, FSI, अपफ्रंट अमाउंट, भूल जाओ, बस तीन चीजें याद रखना एग्जाम में रिविजन वाले पॉइंट से, TDR, FSI मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और 30 ईयर से बड़ी लीज का अपफ्रंट अमाउंट। क्या तीन चीजें? TDR, FSI, 30 ईयर से बड़ी लीज का अपफ्रंट अमाउंट। अगर आप बिल्डर को दे रहे हो इनमें से कुछ भी तो रिवर्स चार्ज में बिल्डर ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, बिल्डर बड़ा आदमी है भाई, गवर्नमेंट को वही जीएसटी डिपॉजिट करेगा, हम लोग बच जाएंगे। क्लियर? ठीक है, लॉजिक में नहीं जाएंगे। अगला डायरेक्टर सर्विसेज, अब समझो डायरेक्टर हो सकते हैं दो तरीके के, एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है साथ साथ डायरेक्टर भी है, याद करो लॉ, होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है और डायरेक्टर भी होता है, बाकी होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या बाकी डायरेक्टर्स जो कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस मिलती है। तो यहां क्या बोला गया है, पहला थॉट तो देखो, डायरेक्टर को अगर पैसे मिल रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा होगा कंपनी को। अब यहां क्या बोला, डायरेक्टर को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था भाई, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर डायरेक्टर किसी कंपनी को सर्विस देगा बदले में पैसे मिलेंगे तो हम तो रिवर्स चार्ज में कंपनी को पकड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बोला डायरेक्टर अगर कोई सर्विस देगा कंपनी को हम तो रिवर्स चार्ज में कंपनी को पकड़ेंगे, कंपनी को पकड़ना आसान है। ठीक है, पर अगर डायरेक्टर जो सर्विस दे रहा है कंपनी को बदले में कंपनी सैलरी दे रही है क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर था, तो ना तो रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि सैलरी नेगेटिव लिस्ट में जाती है। यानी यहां कौन सा डायरेक्टर कवर्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर्ड है, या फिर ऐसा कोई डायरेक्टर जो सैलरी अग्रीमेंट से हट के कुछ और सर्विस दे रहा है, क्योंकि याद करो मैंने बताया था नेगेटिव लिस्ट में एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में जो जो लिखा है वो सब सैलरी, उस पर जीएसटी नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट से अलावा जो काम करोगे उस पर जीएसटी आ सकता है। तो वही यहां बोला गया है, पहली चीज होल टाइम डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है सप्लाई ही नहीं है जीएसटी नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हो, सिटिंग फीस सैलरी नहीं होती, सिटिंग फीस अलग होती है, उस पे रिवर्स चार्ज आएगा, कौन पे करेगा, कंपनी। देखो सिटिंग फीस दी है डायरेक्टर को टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है क्योंकि सिटिंग फीस सैलरी नहीं होती। और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है, आपको बताना है जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलो बताओ मुझे,
रेम्यूनरेशन पे किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अब चाहे रेम्यूनरेशन बोलो चाहे सैलरी बोलो, ये आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई नहीं हो सकता, यानी यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और कौन पे करेगा जीएसटी गवर्नमेंट को? कंपनी, ठीक है। सिटिंग फीस पे करी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, लग गया रिवर्स चार्ज, लग गया रिवर्स चार्ज। डायरेक्टर ने सर्विस दी होगी, बदले में कंपनी ने सिटिंग फीस दी, कौन पे करेगा जीएसटी गवर्नमेंट को? कंपनी। रेम्यूनरेशन पे किया डायरेक्टर को जिसमें टीडीएस काटा है सेक्शन 192, अगर इनकम टैक्स याद होगा 192 सैलरी का सेक्शन होता है, और अगर सैलरी दे दी इंप्लॉय को तो अब ये आ गया नेगेटिव लिस्ट में, इसमें ना तो फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, नो जीएसटी। सैलरी पे करी होल टाइम डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय होता है, तो ये भी आ गया नेगेटिव लिस्ट में, जीएसटी नहीं आएगा, ओके। सैलरी पे करी नॉन एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को, आप चाहे सैलरी बोलो या कुछ बोलो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, हमको पता है लॉ पढ़ चुके हैं ये कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं पर एम्प्लॉय नहीं होते, तो ये भी जीएसटी में आएगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को जीएसटी, ठीक है। रेम्यूनरेशन पे किया, ध्यान से सुनो, डायरेक्टर को फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस। अब देखो, हो सकता है एक होल टाइम डायरेक्टर हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट से अलग हट के उसने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी कंपनी को, अब जो कंपनी पेमेंट करेगी ये सैलरी नहीं है, क्योंकि सैलरी एग्रीमेंट से हट के दी जा रही है प्रोफेशनल सर्विस, ये सैलरी नहीं है, तो ये नेगेटिव लिस्ट नहीं है, इस पे जीएसटी आएगा। लास्ट, सिटिंग फीस तो किसी को भी पे कर दो यार, फर्क नहीं पड़ता, सिटिंग फीस को सैलरी नहीं बताते, नहीं मानते, मैं बता चुका हूं, इस पे जीएसटी आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, आंसर देखना आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ये आगे चलते हैं, अब देखो थोड़ी मजेदार छोटी छोटी सर्विसेज। अब पहली, इंश्योरेंस एजेंट, कभी इंश्योरेंस कराई होगी तो इंश्योरेंस में तीन लोग आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, एक हम जो इंश्योरेंस कराते हैं, एक एजेंट जो हमारे घर आके टिंग टोंग बेल बजाता है सर इंश्योरेंस ले लो। अब देखो, मैं तो इंश्योरेंस करा रहा हूं, मैं किसके नाम चेक काटूंगा, किसको पेमेंट करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को जो पेमेंट कर रहा हूं उसकी बात ही नहीं हो रही यहां पे, वो तो सिंपल सी बात है, जीएसटी आएगा, कंपनी ही पे करेगी। मैं कंपनी को दूंगा, कंपनी गवर्नमेंट को देगी, आपने भी इंश्योरेंस कराई होगी, कभी खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने गए हो? नहीं। हम यह बात कर रहे हैं एजेंट की, जो एजेंट है उसको कमीशन मिलता है, कौन देता है कमीशन उसको, मैं या कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब हम यहां पे वो ट्रांजैक्शन कवर कर रहे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को कमीशन दे रही है इंश्योरेंस कराने का। अब बताओ गवर्नमेंट के लिए किसको ढूंढना आसान है, एजेंट्स को या कंपनी को? सर एजेंट्स तो लाखों होते हैं, कहां से ढूंढ लेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के लिए आसान है कंपनी को ढूंढना। तो गवर्नमेंट ने बोला, हे कंपनी, चाहे वो एजेंट तुमको इंश्योरेंस करा के दे रहा है, बदले में तुम उसको कमीशन दे रहे हो, भले कंपनी यहां पर रेसिपिएंट है पर कंपनी को पकड़ना आसान है, तो कंपनी ही अब रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को जाके जीएसटी डिपॉजिट करेगी उस कमीशन पे जो अपने एजेंट को दे रहा है। क्लियर, ठीक है। एजेंट कौन होता है? एजेंट मतलब वो बंदा जिसके पास आईआरडीए जो इंश्योरेंस का एक्ट है उसके सेक्शन 42 के अंदर लाइसेंस है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ये लाइसेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मिलता है, ना फर्म को ना कंपनी को, किसी को भी, यानी इंडिविजुअली बन सकता है एजेंट, ठीक है, ओके सर। अगला, रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? ये भाई लोग होते हैं जो बैंक वाले जिसको लोन देते हैं ना, और वो लोन की पेमेंट नहीं करते, तो ये भाई लोग जाते हैं बंदे को उठाते हैं, उससे पैसा निकलवाते हैं। अब मुझे बताओ मामू, ये जो एजेंट है लोन के पैसे निकलवाता है, फ्री में करेगा या बैंक से कमीशन लेगा? बैंक से कमीशन लेगा बिल्कुल। अब बताओ, ये एजेंट जब बैंक को सर्विस दे रहा है रिकवरी करा के, बैंक से कमीशन ला रहा है, गवर्नमेंट के लिए किसको ट्रैक करना आसान है? रिकवरी एजेंट को है बैंक को? बैंक को बिल्कुल। अब बैंक अगर रिकवरी एजेंट, गवर्नमेंट अगर रिकवरी एजेंट के पास आ गई कि चलो जीएसटी पे करो, रिकवरी एजेंट कहेगा, मेरे तो मामू ए मोदी चल निकल, अपन नहीं देता जीएसटी तेरे को। मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, तुझे छोड़ दिया, सीधा बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे तूने कमीशन दिया अपने एजेंट को, चल रिवर्स चार्ज में बैंक देगा जीएसटी। अरे बताऊं ट्रिक याद करने की, जहां जहां बिल्डर आया, जहां जहां इंश्योरेंस कंपनी आई, जहां जहां बैंक आया, हमेशा रिवर्स चार्ज में बिल्डर ही टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी, बैंक टैक्स पे करेगा। एग्जाम में नहीं भी आता है, टिक मार के आता है ना, सही निकलेगा हमेशा, ठीक है,
ओके सर, ओरिजिनल वर्क को अभी छोड़ रहा हूं, आऊंगा इसके ऊपर। मैं चल रहा हूं एक बार छोटे ऊपर के, ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? सारे बैंक्स को ट्रैक करना। तो आरबीआई ने कमेटी बनाई, ओवरसीइंग कमेटी, बोला हे कमेटी हर बैंक के ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर, हमको लाके रिपोर्ट दे। तो ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस दे रही है, पर गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई बड़ा डिपार्टमेंट है, हमारा अपना डिपार्टमेंट है। तो आरबीआई चाहे रेसिपियंट है, उस कमेटी से सर्विस ले रहा है, पर आरबीआई ही जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं? जब बैंक जाते हो, देखा ना लोग बैठे होते हैं, सर हमारी इंश्योरेंस ले लो, सर हमारा कार्ड बनवा लो, वगैरह वगैरह। ये लोग बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते, ये बैंक के सेलिंग एजेंट्स होते हैं, जो बैंक के प्रोडक्ट सेल करा रहे होते हैं। क्यों कराएंगे? इनको कमीशन मिलेगा बैंक से। अब बताओ, बैंक जब इनको कमीशन दे रहा है कि उनका कार्ड बिकवा दो, उनकी इंश्योरेंस बिकवा दो, तो सर्विस कौन दे रहा है? ये एजेंट बैंक के प्रोडक्ट बिकवा के बैंक को सर्विस दे रहे हैं। पर मैं आपको बता चुका हूं, जब भी बैंक बीच में आ गया, इंश्योरेंस कंपनी आ गया, बिल्डर आ गया, हमेशा क्या लग गया? रिवर्स चार्ज। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एजेंट्स को पकड़ना मुश्किल है, बैंक को पकड़ना आसान है। तो बैंक देगा रिवर्स चार्ज में जीएसटी, यानी एजेंट्स को जब कमीशन जाएगा, उस कमीशन पे बैंक ही जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है सर? ये वो कंपनीज होती हैं जो बैंक का बिजनेस बनाने बढ़ाने में हेल्प करती हैं, गांव गांव जाती हैं, बैंक अकाउंट ओपन कराती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है किसी बैंक को, बैंक का बिजनेस बढ़वा के। गवर्नमेंट के लिए ट्रैक करना किसको आसान है? बैंक को। तो हमेशा जो बैंक सर्विस ले रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर से, बैंक ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। टेक्निक वही, बिल्डर आ गया, इंश्योरेंस कंपनी आ गई, बैंक आ गया, हमेशा रिवर्स चार्ज में वही लोग गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे। अब क्या होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकता है कंपनी हो। अब कंपनी खुद तो जाएगी नहीं गांव गांव, कंपनी अपने लोग हायर करेगी, यानी कंपनी अपने एजेंट हायर करेगी। ये वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक के पास गया था ना आपका बिजनेस बढ़ा दूंगा बोल के, ये अपने एजेंट भेजेगा गांव गांव। एजेंट ने काम करा तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर अपने एजेंट्स को कमीशन देगा। गवर्नमेंट के लिए किसको ट्रैक करना आसान है? एजेंट को या बिजनेस फैसिलिटेटर जो कंपनी है, बिजनेस फैसिलिटेटर को। तो अगर एजेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस फैसिलिटेटर जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, उस कमीशन पे जो अपने एजेंट को दे रहा है। तीन ट्रांजैक्शन, एजेंट ने सर्विस दी बिजनेस फैसिलिटेटर को, रिवर्स चार्ज लग गया, बिजनेस फैसिलिटेटर उस कमीशन के जीएसटी को देगा गवर्नमेंट को। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है बैंक को, रिवर्स चार्ज लग गया इस कमीशन के ऊपर, बैंक देगा जीएसटी गवर्नमेंट को। बात समझ आई? एजेंट वाले कमीशन पे बिजनेस फैसिलिटेटर देगा जीएसटी गवर्नमेंट को, बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक वाले कमीशन ट्रांजैक्शन में जीएसटी बैंक देगा आगे गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं ऑथर वाले पॉइंट पे, रिटर्न टू ओरिजिनल वर्क्स। चलो आगे चलते हैं। ओरिजिनल वर्क्स ये क्या होते हैं? एक म्यूजिक कंपोजर जो गाने बनाता है, फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है, आर्टिस्ट जो ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाता है, ये सब अगर अपनी सर्विसेज देते हैं किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को या किसी को भी, तो लग जाता है रिवर्स चार्ज। याद करने की टेक्निक, गवर्नमेंट कहती है हे म्यूजिशियन तूने गाना बनाया, गाना बेचा, चल टैक्स पे कर, जीएसटी पे कर। हे फोटोग्राफर तूने फोटो बेच के पैसे कमाए, चल टैक्स पे कर। हे आर्टिस्ट तूने पेंटिंग बनाई, चल टैक्स पे कर। ये कह रहा है मिस्टर मोदी को, मिस्टर मोदी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई क्लिक फोटोग्राफ्स, आई ड्रॉ, यू वॉन्ट मी टू स्टॉप दिस वर्क एंड यूज माई ब्रेन्स ऑन यूजलेस स्टफ लाइक मेंटेनिंग जीएसटी रिकॉर्ड्स, filing returns, sorry Mr. Modi, it will ruin my creativity. मतलब भाई साहब मने ना करने फालतू के काम, रिटर्न फाइलिंग वगैरह, मने तो अपने गाने बनाने हैं, फोटो खींचनी और ड्राइंग बनानी, पेंटिंग बनानी है। तो मैं जिसको सर्विस दे रहा हूं, वो डायरेक्टर को, वो म्यूजिक कंपनी को, या जो भी बंदा जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं, जाओ उसको पकड़ो, जाओ पहले उस बंदे को पकड़ो जो मुझसे सर्विस ले रहा है, और उससे लो रिवर्स चार्ज का जीएसटी। क्लियर? क्लियर। और लॉजिकल पॉइंट भी है ना, म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर बड़े बड़े लोग होते हैं भाई साहब, वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है। तो जब वो रजिस्टर्ड है, और हो सकता है म्यूजिक वाला म्यूजिशियन छोटा बंदा हो, फोटोग्राफर छोटा बंदा हो, क्यों तंग कर रहे हो यार? अगला बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जाने दो, रिवर्स चार्ज में करेगा पे जीएसटी गवर्नमेंट को। ठीक है, पर ऑथर जो बुक लिखता है, ऑथर जो बुक लिखता है,
इसमें डिफरेंस कर रहा है, पता है क्यों? अगर आप अभी नोटिस करना, आप बुक खरीदने जाओ मार्केट, बुक के ऊपर जीएसटी नहीं है, एग्जेम्पशन दे रखी है। बुक परचेस करते हो तो जीएसटी नहीं है, एग्जेम्पशन दे रखी है। इसी वजह से अब जो बुक सेलर है, पब्लिशर है, वो गवर्नमेंट को कहता है भाई साहब ऑथर भी ओरिजिनल वर्क कर रहा है, अपनी बुक दे रहा है मुझे प्रिंट करने को, पब्लिश करने को। पर पब्लिशर गवर्नमेंट को कह रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरी सप्लाई जो है बुक सेल करने की पब्लिश करके, इस पे जीएसटी नहीं है, आपने एग्जेम्पशन दे रखी है। जस्ट बिकॉज मैं ऑथर से बुक्स खरीदू और मुझे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, गलत नहीं कर रहे मेरे साथ आप? तो गवर्नमेंट ने ऑथर को ऑप्शन दिया, पब्लिशर को नहीं, ऑथर को ऑप्शन दिया। ए ऑथर, हे ऑथर, तो जिस पब्लिशर को अपनी बुक्स दे रहा है ना पब्लिश करने के लिए, तेरे हाथ में ऑथर, खुद जीएसटी पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में तो पे कर दे, पर तू पे नहीं करेगा तो पब्लिशर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज कहता है मैंडेटरी है। यानी ऑप्शन ऑथर के पास है, फोटोग्राफर के पास ऑप्शन नहीं था, म्यूजिशियन के पास ऑप्शन नहीं था, आर्टिस्ट के पास ऑप्शन नहीं था, ऑथर के पास ऑप्शन है। ऑथर चाहे तो खुद भी जीएसटी पे कर सकता है, वो चाहे तो मना कर देगा, तो पब्लिशर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक जीटीए के पास आया था, एक ऑथर के पास आया ऑप्शन। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल। मैं सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दूं, मैं कौन हूं जो दे रहा हूं? मैं इंडिविजुअल हो सकता हूं, मैं फर्म हो सकता हूं, मैं एओपी बीओआई कुछ भी हो सकता हूं, पर कंपनी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देने वाला, सिक्योरिटी सर्विस देने वाला कंपनी के अलावा कोई और होगा तो ही रिवर्स चार्ज। अगर सिक्योरिटी कंपनी दे रही है तो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज। यानी सिक्योरिटी सर्विसेज अगर एक कंपनी दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज में कंपनी ही टैक्स पे करेगी। सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के अलावा कोई और दे रहा है, फर्म दे रहा है, इंडिविजुअल दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज आ सकता है। वो कब आएगा? अगर पर्सनल की सिक्योरिटी, मतलब मैं गार्ड दे रहा हूं सिक्योरिटी में, सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, कुछ फायर अलार्म सिक्योरिटी अलार्म लगाऊंगा, फॉरवर्ड चार्ज, सिक्योरिटी के लिए कुत्ते दे दूंगा, फॉरवर्ड चार्ज, यानी डॉग जो होते हैं स्निफिंग डॉग दूंगा, फॉरवर्ड चार्ज। सिर्फ इंसान सिक्योरिटी पर्सनल दूंगा तो रिवर्स चार्ज, याद रखना, ठीक है। और सेम पॉइंट अगर किसी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहे हो जो सिर्फ जीएसटी में रजिस्टर्ड, इसलिए कि टीडीएस काटना है, तो भी रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, अगर सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, अगला चैप्टर वही है कॉम्पोजिशन स्कीम, तो भी फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। यानी सिक्योरिटी पर्सनल का पहला थॉट, अगर कंपनी के अलावा कोई और दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, पर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट है जो सिर्फ टीडीएस काटने के रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, रिवर्स चार्ज नहीं जाएगा। अगर वो सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड तो है पर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो भी फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। आओ इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको बढ़िया सा। देखो सिक्योरिटी सर्विसेज, पहले तो इंसानों के अलावा कुछ और दिया, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, सिक्योरिटी डॉग्स, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। अब बात आती है गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट है, बीसी है, तो फॉरवर्ड चार्ज। कंपनी के अलावा कोई और दे रहा है सर्विस, तो अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो फिर दो केस, लेने वाला नॉर्मल बंदा है रजिस्टर्ड है रिवर्स चार्ज, लेने वाला गवर्नमेंट है जो टीडीएस काटने के लिए ही हुआ रजिस्टर, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला सेक्शन 10 वाला बंदा है तो फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। ये चार्ट इसका देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, देख लेना चार्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये भी हो गया। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फाइनल में तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इंटर में इतना याद रखो, अगर कंपनी के अलावा, कंपनी के अलावा, कंपनी के अलावा कोई और मोटर व्हीकल की सर्विस देना चाहता है किसी बॉडी को, अपने कंपनी को, कंपनी के अलावा कंपनी को दोगे, जो मोटर व्हीकल रेंट की सर्विस दे रहा है कंपनी के अलावा कंपनी को दोगे तो लग जाएगा रिवर्स चार्ज, 5% का आएगा जीएसटी, काम खत्म। सर सेम लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, छोड़ दो, काम का नहीं है, इंटर लेवल पे काम का नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट काट दो, काम का नहीं है। इतना जानो सिक्योरिटी की अगर लेंडिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी की लेंडिंग कर रहे हैं, तो जो बोरो कर रहा है सिक्योरिटी
वही जीएसटी पे करेगा। चलो तो काटो मत, याद कर लेना ऐसे ही। जो सिक्योरिटी लेंड मतलब लेंड दे रहा है मतलब किराए पे दे रहा है सिक्योरिटीज, तो जो बोरो कर रहा है वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ये रीडिंग मार लेना, इतना काम का नहीं है। जीटीए में एक पॉइंट बताना रह गया था, वो बता दूं, मुझे अभी याद आ गया मुझे बोलते बोलते। हाँ देखो, एक बिजनेसमैन है, मैं अनरजिस्टर्ड बंदा इंडिविजुअल, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं तो एसी खरीदने गया था, एसी खरीदने गया, जिससे खरीदा वो शॉपकीपर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मेरे को एसी घर पे डिलीवर कराना था, शॉपकीपर ने बोला भाई साहब मेरा अग्रीमेंट दुकान तक होता है, बाहर मेरा नहीं होता। उसने कहा ठीक है, मैंने ट्रक हायर किया जीटीए, उसने एसी मेरे घर पहुंचा दिया। रेसिपिएंट कौन, मैं या वो? मैं रेसिपिएंट, मैं पैसे दूंगा जीटीए को। रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं, मैं तो रजिस्टर्ड हुई नहीं ना, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यही अगर वो शॉपकीपर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था वो जीटीए को पैसे देता कि मेरे घर एसी भिजवा दो, तो भले ही मेरे घर एसी आता, पर रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ चुके, रेसिपिएंट वो होता है जो पैसे देने के लिए लायबल है। तो शॉपकीपर जीटीए को पैसे देने के लिए लायबल था, तो शॉपकीपर हो गया रेसिपिएंट, और क्योंकि शॉपकीपर रिवर्स चार्ज में जाएगा क्योंकि शॉपकीपर जीएसटी में रजिस्टर्ड था। ये बात ध्यान रखना। जीटीए में देख लेना पेमेंट कौन कर रहा है जीटीए को, जो पेमेंट कर रहा है जीटीए को वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर रिवर्स चार्ज जाएगा तो, या फिर वो फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए रिवर्स चार्ज लगेगा तो। ठीक है चलो। इसकी वैसे बता देता हूं क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, तो जो इंपोर्ट कर रहा है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन वाले बंदे तो बोलेगी नहीं भाई तू इसी रजिस्ट्रेशन ले, तो इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस तो जो इंपोर्ट कर रहा है सर्विस वही जीएसटी पे करेगा। ठीक है ये छोड़ दो, काम का पॉइंट नहीं है बिल्कुल वाला, पहला काम का था बता दिया। अगला, ये 9 सेक्शन 3 कंप्लीट हो गए, 9 सबसेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है, 9(4) पे चल रहे हैं। ये बात करता है सिर्फ एक बिल्डर की, क्या बोलता है देखो। बिल्डर, अभी तक हमने जो बिल्डर देखा वो एफएसआई वाला था, या फिर डेवलपमेंट राइट वाला था, या एडवांस वाला था जो 30 ईयर्स के ऊपर लीज से होता है। अब मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जो बिल्डर सर्विस यूज करता है बिल्डिंग बनाने के लिए, अब मैं उसकी बात करूंगा बिल्डर जो सर्विस यूज करता है बिल्डिंग बनाने के लिए। यहां गवर्नमेंट को लगा यार बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, सरिया खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, रोड़ी खरीदते हैं, ये तो बहुत कैश में काम करते हैं, कितना घपला करते होंगे पैसे का, चोरी करते होंगे पैसे की। तो उन्होंने बोला हे बिल्डर, हे बिल्डर, तो इनपुट खरीद, इनपुट की सर्विस ले अपना काम करने के लिए। क्या बोला बिल्डर को, तो इनपुट की सर्विस ले या इनपुट खरीद अपना काम करने के लिए, पर एक रेस्ट्रिक्शन है तेरे ऊपर। क्या? तू सिर्फ और सिर्फ 20% सामान अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद सकता है। क्या बोला बिल्डर को, तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज में सिर्फ 20% अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता है, उससे ऊपर जितना खरीदेगा, 20% से जितना ऊपर अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा उसमें लग जाएगा रिवर्स चार्ज, बिल्डर को जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आओ इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो देखो, ये बिल्डर है, बिल्डर ने 10,000 रुपीज का इनपुट खरीदा, ये 10,000 में 90% खरीदा रजिस्टर्ड लोगों से, 10% खरीदा अनरजिस्टर्ड से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 20% तक ले सकता था अनरजिस्टर्ड, 10% ले लिया, लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसी बिल्डर ने 50,000 का सामान लेना था, 80% लिया रजिस्टर्ड पार्टी से, 20% लिया अनरजिस्टर्ड लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, 20% फिर भी लिमिट में है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। थर्ड केस सुनो, इसी बिल्डर ने 1 लाख का सामान लेना था, इसने 70,000 यानी कि 70% ले लिया रजिस्टर्ड लोगों से, और 30,000 का सामान यानी कि 30% ले लिया अनरजिस्टर्ड लोगों से। अब रिवर्स चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये 20% से ऊपर चला गया अनरजिस्टर्ड का सामान लेने के लिए। पहले मुझे बताओ लिमिट कितनी थी इसके पास? सर ये ना 20,000 तक का सामान ले सकता था अनरजिस्टर्ड से। अगर 1 लाख का टोटल सामान खरीदा, 20% अलाउड था अनरजिस्टर्ड से, 20,000 तक का सामान ले सकता था, लिया कितने का? 30,000 का। कितना ज्यादा ले लिया अनरजिस्टर्ड से?
सर 10,000 ज्यादा ले लिया तो ये 10,000 के ऊपर आ जाएगा रिवर्स चार्ज। यानी ऐसा नहीं है कि जितना खरीदोगे अनरजिस्टर्ड से पूरा रिवर्स चार्ज, 20% अलाउड है अनरजिस्टर्ड से खरीदना, 20% से जितना ज्यादा खरीदोगे अनरजिस्टर्ड से उतना रिवर्स चार्ज। एक और एग्जांपल लेता हूं, बिल्डर ने 1,00,000 का सामान लिया टोटल, 40,000 का लिया रजिस्टर्ड से, 60,000 का लिया अनरजिस्टर्ड से, बताओ कितने पे लगेगा रिवर्स चार्ज? सर देखो 20,000 तक तो अलाउड था लेना, 20% तो अलाउड होता है लेना, 20,000 अलाउड था लेना अनरजिस्टर्ड से, इसने 40,000 ज्यादा का ले लिया क्योंकि 60,000 का ले लिया, 20 का अलाउड था, तो 40,000 जो ज्यादा लिया इस 40,000 पे लगेगा रिवर्स चार्ज और बिल्डर पे करेगा टैक्स। समझ आ गया? यानी बिल्डर अगर इनपुट इनपुट सर्विस खरीद रहा है अपने काम करने के लिए 20% कर सकता है अनरजिस्टर्ड से, उसके ऊपर जितना करेगा अनरजिस्टर्ड से वो लग जाएगा रिवर्स चार्ज। ठीक है, पर एक ऐसा इनपुट है सीमेंट और कोई भी कैपिटल गुड मशीन वगैरह, एक अकेला इनपुट है सीमेंट और कैपिटल गुड्स कोई भी हो, यहां गवर्नमेंट ने बोला तुम अनरजिस्टर्ड से खरीद ही नहीं सकते हो क्योंकि सीमेंट के माफिया है इंडिया में। नॉर्मली कोई भी इनपुट लो हम 20% तक अलाउ करेंगे अनरजिस्टर्ड से लेना, इनपुट सर्विस लो हम 20% अलाउ करेंगे लेना, सीमेंट के केस में और कैपिटल गुड्स के केस में 1 रुपया भी अलाउ नहीं अनरजिस्टर्ड से लेना। सीमेंट या कोई कैपिटल गुड अगर कोई बिल्डर अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदता है, जितना भी खरीदेगा पूरा रिवर्स चार्ज। यानी कि अगर सीमेंट या कैपिटल गुड 10 रुपए का भी खरीदा ना अनरजिस्टर्ड से, 10 रुपए पे भी जीएसटी आएगा रिवर्स चार्ज के बेस पे, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ आ गया? नॉर्मल केस में इनपुट और इनपुट सर्विस अगर बिल्डर ले रहा है 20% तक दे सकता है अनरजिस्टर्ड से, उसके ऊपर जितना जाएगा अनरजिस्टर्ड पे रिवर्स चार्ज, पर सीमेंट और कैपिटल गुड के केस में जितना खरीदेगा पूरे का पूरा रिवर्स चार्ज आ जाएगा अगर अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया तो। लास्ट सेक्शन ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर ये क्या होते हैं बच्चे? ये होते हैं मुझे किसी की सर्विस लेनी है पर मैं उस बंदे के पास ना जाके मैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊंगा वहां से खरीदूंगा। जैसे मुझे सामान खरीदना है, मैं शॉपकीपर के पास नहीं गया, मैं अमेजोन पे गया, मैं फ्लिपकार्ट पे गया, मैं स्नैपडील पे गया, ये सारे क्या है? मिंत्रा क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे कस्टमर को वहां से लिंक करते हैं सिवाय डायरेक्ट शॉपकीपर के। ओला, उबर, ओयो रूम्स, अर्बन कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे रिवर्स चार्ज नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 ही सर्विसेज हैं जिस पे रिवर्स चार्ज है, Amazon, Flipkart वगैरह पे रिवर्स चार्ज नहीं है, तो भूल जाओ उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ उन सर्विसेज की जो अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी होंगी तो लगेगा रिवर्स चार्ज। नोट्स मत देखना, सीधा आ जाओ मेरे डायग्राम के ऊपर। ECO देखो, ओला ये गवर्नमेंट है, ये टैक्सी ड्राइवर है, ये एक पर्सन है, मैं, मुझे टैक्सी चाहिए थी, मैं ओला की वेबसाइट ऐप पे गया, मैंने कैब बुक कर दी, ड्राइवर मेरे पास आ गया, ड्राइवर मुझे यहां से वहां छोड़ के गया, सर्विस मुझे ड्राइवर ने दी, पर मैं पेमेंट किसको करता हूं? ओला को। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? वो गरीब ड्राइवर या ओला? ओला कंपनी अब इस सर्विस के ऊपर जीएसटी निकाल के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। कौन जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? ओला कंपनी देगी। ठीक है, पर सर कई बार ये भी तो होता है, ड्राइवर क्या करता है? ओला की ऐप बंद कर देता है, ओला की ऐप बंद कर देता है और अपने मर्जी से गाड़ी चला रहा होता है। तो अगर कोई ड्राइवर, चलो ओला पर रजिस्टर्ड है, पर ओला के अलावा भी अगर कोई सर्विस देगा उस पर तो फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा ना, क्योंकि उस पर तो रिवर्स चार्ज लग सकता नहीं है। रिवर्स चार्ज कब लगेगा? जब ड्राइवर ओला के थ्रू बुकिंग वाली सर्विस देगा, ओला बुकिंग के अलावा पर्सनली गाड़ी चला रहा है कोई ड्राइवर अपना, तो उस पर तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यानी ड्राइवर अगर ओन सर्विस देगा ECO ओला के थ्रू नहीं तो नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, आपको पता है जैसे 20,00,000 क्रॉस करेगा टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा ड्राइवर को। बिल्कुल। अब एक बात सुनो ध्यान से, ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन है 20,00,000 के टर्नओवर के ऊपर, पर जब मैं ड्राइवर का देखूंगा ना कितना टर्नओवर हो गया, कि उसने कितना काम कर लिया, तो अगर कोई ड्राइवर ओला पे उबर पे रजिस्टर्ड है, जितनी उसने सेल्स ओला उबर से करी
जितनी उसने सेल पर्सनली करी, क्या बोला मैंने, जितनी एक ड्राइवर ने सेल ओला उबर से करी और जितनी एक ड्राइवर ने सेल खुद से करी, दोनों को जोड़ो, टोटल लगाओ, फिर देखेंगे क्या 20 लाख क्रॉस कर गया। अगर हां तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ड्राइवर को जीएसटी में, वरना नहीं। यानी थ्रेशोल्ड होती है लिमिट रजिस्ट्रेशन की, वो ईसीओ और खुद की मिला के होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ड्राइवर ने ओला के थ्रू 15 लाख का टर्नओवर करा, अपने ओला के अलावा 10 लाख का टर्नओवर किया, टोटल हो गया 25 लाख, वो ये नहीं कह सकता मेरा अपना 10 लाख का टर्नओवर है। नहीं भाई साहब, ओला के थ्रू भी तुमने ही सेल्स करी है, तुमको कमीशन तो मिलेगा। यानी टोटल तुम्हारा 25 लाख का टर्नओवर हो गया, 20 से ऊपर जा चुके हो, तुमको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अगला होटल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ओयो रूम्स, टैक्सी खत्म, बाइक खत्म, आ गए ओयो रूम्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर। यहां बोला मुझे होटल बुक करना था, मैंने ओयो रूम्स बुक कर लिए, ओयो के ऐप पे गया, रूम बुक कर लिया। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया है, अगर ओयो ने जिस होटल से टाई अप कर रखा है, ओयो ने जिस होटल से टाई अप किया है, मेरे को पहले बताओ क्या वो होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओयो जाके जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। क्या बोला मैंने, ओयो का जिस होटल से टाई अप है, पहले मुझे बताओ क्या वो होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर नहीं तो ओयो टैक्स देगा गवर्नमेंट को। पर अगर वो होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो चाहे मैं बुकिंग ओयो पे क्यों ना करूं, होटल वाला ही गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। यानी होटल के केस में जब तक होटल अनरजिस्टर्ड है तब तक ओयो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, जैसे ही होटल रजिस्टर्ड हो गया जीएसटी में, अब ओयो नहीं देगा टैक्स, होटल वाला ही टैक्स देगा गवर्नमेंट को, जीएसटी देगा गवर्नमेंट को। यानी क्या लिखा है, अगर ये होटल गेस्ट हाउस वगैरह जो भी है, अगर ये रजिस्टर हो गया या फिर 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर गया और ये लायबल भी हो गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो अब ओयो वाला जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देगा, खत्म रिवर्स चार्ज, होटल ही जाके जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। सेम अर्बन क्लैप में आते हैं, घर पे आपने प्लम्बर बुलाया, आपने बारबर बुलाया घर में, आपने व्हाइट वॉश वाले बुलाए घर में, अर्बन क्लैप के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो बंदा घर पे आ रहा है, फिर वही बात पूछूंगा आपसे मैं, जो बंदा घर पे आ रहा है क्या वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड था, अगर नहीं तो अर्बन क्लैप वगैरह जहां से आपने बुकिंग करी है वो जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे। पर जो बंदा घर पे आ रहा है सर्विस देने, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अब अर्बन क्लैप वाले नहीं देंगे गवर्नमेंट को जीएसटी, वो बंदा खुद गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। यानी ओयो रूम्स में तो होटल में और प्लम्बर वगैरह की सर्विसेज में, होटल्स में और प्लम्बर वगैरह की सर्विसेज में जब तक बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक ओयो और अर्बन कंपनी वगैरह जीएसटी गवर्नमेंट को देते हैं। और जैसे ही वो होटल या वो बंदा खुद रजिस्टर हो जाता है जीएसटी में या लायबल भी हो जाता है जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए, यानी टर्नओवर क्रॉस कर जाता है 20 लाख से, अब ओयो और अर्बन क्लैप जीएसटी देना बंद कर देते हैं, वो खुद जीएसटी देता है। पर टैक्सी वाले केस में ये नहीं था, टैक्सी वाले केस में तो ओला ही उबर ही टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। इसका चार्ट देख लो जल्दी से, अगर आपने ईसीओ ओला उबर के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया कैब से या बाइक से, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो टैक्सी ड्राइवर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा जीएसटी कौन देगा गवर्नमेंट को, ईसीओ ओला या उबर। पर अगर मैं होटल की बात करूं या हाउसकीपिंग सर्विसेज की बात करूं, तो जब तक होटल वगैरह या वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तब तक ईसीओ देगा गवर्नमेंट को जीएसटी, जैसे ही वो लायबल होगा रजिस्टर होने के लिए अब ईसीओ नहीं, अब वो खुद देंगे गवर्नमेंट को जीएसटी। इस पे क्वेश्चन बनता है तो ये देख लेना, ठीक है, इसको आप चार्ट से पढ़ना। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बोला जाता है सर कई बार क्या होता है ईसीओ इंडिया के बाहर होते हैं, ईसीओ इंडिया के बाहर होते हैं, यहां पे ब्रांच भी नहीं होती कोई, क्योंकि अगर यहां पे ब्रांच खोल दी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला, गवर्नमेंट उस ब्रांच पे जाएगी, छापा मारेगी, पकड़ लेगी ब्रांच वाले को। कई बार क्या होता है ऑनलाइन काम चल रहा है, ईसीओ इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, इंडिया में ब्रांच भी नहीं है, तो क्या होगा, अब गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ईसीओ वाले इंडिया में काम करना है, कोई फिजिकल प्रेजेंट नहीं, ब्रांच नहीं है, कोई बात नहीं, अब तुमको एक बंदा यहां पे एजेंट लाके छोड़ना पड़ेगा यहां पे जो तुम्हारा काम संभालेगा, ताकि हमें कुछ गड़बड़ हो गई हम उस बंदे को पकड़ेंगे। यानी अगर ईसीओ की कोई ब्रांच नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, तो उनको एक बंदा रखना पड़ेगा यहां पे, और अगर बंदा भी नहीं है तो अपॉइंट करो बंदा, वरना काम खत्म, वरना काम खत्म। ठीक है, ठीक है, ये था आपका चैप्टर रिवर्स चार्ज का।
करो इसको अच्छे से, एमसी को अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर बताऊंगा आपको, जीटीए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर इस बार के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर में अमेंडमेंट हुई है, डायरेक्टर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जीटीए इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी पर्सनल इंपॉर्टेंट, ईसीओ इंपॉर्टेंट, और बिल्डर का 80-20 वाला केस इंपॉर्टेंट। और बिल्डर में याद रखना सीमेंट होगा तो पूरा रिवर्सल जाता है, ठीक है, अगर खरीदा रजिस्टर्ड से तो ठीक है। याद करने की टेक्निक याद कर सकते हो आराम से, याद कैसे कर सकते हो सर, कंपनी डायरेक्टर को सर्विस दे, डायरेक्टर दे रहा है कंपनी को सर्विस, कौन देगा रिवर्स चार्ज में जीएसटी, कंपनी। ऑथर इंपॉर्टेंट है, ऑथर इंपॉर्टेंट है, ऑथर इंपॉर्टेंट है, ऑथर का ऑप्शन आ चुका है खुद पे करने का जीएसटी इसलिए। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी खुद जीएसटी, इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा रिवर्स चार्ज जाएगा, बैंक में हमेशा रिवर्स चार्ज जाएगा, बिल्डर में हमेशा रिवर्स चार्ज जाएगा, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको। अब एमसीक्यू बन सकता है सर, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो खुद भी जीएसटी पे कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, जिनके पास ऑप्शन है जीटीए, सिक्योरिटी पर्सनल, मोटर व्हीकल की रेंटिंग, मोटर व्हीकल की रेंटिंग, इन तीन के पास ऑप्शन है। किस किस के पास, जीटीए, सिक्योरिटी पर्सनल, सॉरी जीटीए, ऑथर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इनके पास ऑप्शन है, ये खुद भी पे कर सकते हैं टैक्स, रिवर्स चार्ज नहीं है। बाकी हर केस में रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है, बंदा खुद नहीं कह सकता कि मैं पे कर देता हूं मत जाओ रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है। तीन एक्सेप्शन जहां पे बंदा रिसीव सर्विस प्रोवाइडर खुद जीएसटी पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में, जीटीए, ऑथर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। यह आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, और हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, ठीक है। तो मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू, अपना फीडबैक दो कैसी लगी क्लास आपको, और अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, एमसीक्यू दे रहा हूं सॉल्व कर लो, और बता दो बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करें आपके लिए हर चैप्टर के एमसीक्यू, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अगर आपने रिविजन क्लासेस देख ली और जो एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूं देख ली, सॉल्व कर लिया आपने दो बार, यानी आपको करना क्या है, ये रिविजन वीडियोस को दो बार देखना है, और जो एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूं हर वीडियो के नीचे, इसको अगर दो दो बार सॉल्व कर लिया पास आप हो जाओगे, मेरी गारंटी है पक्का, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा।